हेलो दोस्तों, टेस्टी के इस वीडियो क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं डाटाबेस के बारे में। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे अपना जो वेब पेज होगा ना, तो उससे पहले हम लोग को कनेक्शन करना पड़ता है, तो उस कनेक्शन को आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ लोकल होस्ट लिखिएगा और इंटर मारिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीएचपी माई एडमिन आपको आपके स्क्रीन में नजर आएगा, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे डाटाबेस लिखा हुआ रहेगा, इस डाटाबेस में हम क्लिक करेंगे। डाटाबेस में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारा टेबल हम क्रिएट करते हैं जो जो अपने वेब पेज में हम यूज करना चाहते हैं, और सारा जो भी डाटा रहेगा वो डाटाबेस में ही आके स्टोर होता है। और उसके बाद में हम लोग SQL का बहुत सारा क्यूरी चलाते हैं जिससे हम लोग डाटा को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। वो मैं एक ही क्लास में आप लोगों को बताने जाऊंगा। इस क्लास में हम सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डाटाबेस बना रहा हूँ NICTEDU नाम से, और उसके बाद यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखिएगा और फिर क्रिएट वाला ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे NICTEDU नाम का एक डाटाबेस आ गया। अब कनेक्शन करने के लिए हम चलते हैं नोटपैड में, जहाँ पे मैंने एक पेज बना के रखा है connect.php। अब इसमें हम अपना PHP का कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले PHP स्टार्ट कर लेते हैं और PHP को बंद कर देते हैं। देखिए क्या क्या चीज जरूरत है हम लोग को चाहिए। होस्ट का नाम, होस्ट का नाम मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सर्वर है, जो सर्वर का नाम होता है। जैसे कि अभी हम लोग जो भी PHP सीख रहे हैं, तो देखिए हमेशा हम लोग लोकल होस्ट लिखते हैं, तो ये हमारा सर्वर का नाम हो गया लोकल होस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लोकल होस्ट। उसके बाद में फिर यूजर, देखिए दोस्तों यूजर का नाम हम लोग जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम लोग यूजर का नाम दे सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यूजर का नाम जो होता है वो रूट होता है। तो मैंने कोई भी यूजर का नाम नहीं दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रूट लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर पासवर्ड, तो मैंने कोई पासवर्ड इसमें नहीं दे के रखा है अपने डाटाबेस में, इसीलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद डाटाबेस का जो है डाटा बेस, यहाँ पे डाटाबेस के नाम देना पड़ता है, जैसे कौन सा डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बनाया NICTEDU, ये है वाला डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो कनेक्शन करेंगे हम लोग एक प्रोसीजर वे में कर रहे हैं, कनेक्शन करने का बहुत सारा तरीका है दोस्तों, और प्रोसीजर वे में कर रहे हैं। और कौन सा यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे MySQLi, ठीक है, इसको यूज करके हम लोग डाटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग PDO भी यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं PDO के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं सिंपल प्रोसीजर वे में MySQLi यूज करके डाटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ। तो एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे MySQLi_connect connect लिखना होता है। और इसके अंदर में फिर सबसे पहले ये होस्ट नेम, उसके बाद में फिर आपका यूजर, उसके बाद में फिर आपका पासवर्ड, उसके बाद फिर आपका जो DB का नाम होगा, डाटाबेस का नाम, वो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि कनेक्शन हम लोग का सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नॉट, ये साइन नॉट का होता है, इफ नॉट, उसके बाद ये जो हम लोगों ने क्वेरी लिखा है CONN नाम वेरिएबल में, यहाँ पे अगर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा मैसेज हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे इको कुड नॉट कनेक्टेड लिख देते हैं, के लिए नॉट कनेक्ट CONNECTED, है ना।
और उसके साथ साथ अगर आप एरर भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक कमांड आता है माई सी क्यूएल आई का, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट सी ओ एन एन कनेक्ट, उसके बाद एरर देखिए आप, ये आपको एरर दिखाएगा किस कारणवश आपका ये कनेक्शन नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं और अगर सब ठीक रहा तो फिर ये नीचे वाला पार्ट को इको करेगा, इको सी ओ एन एन सी सी पी कनेक्टेड टू डाटा बेस, ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। चलिए अब हम चल के देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये वाला पेज था, यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 9 में, तो वो एरर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ये है इको, अच्छा यहाँ पे हम लोग को एक और, यहाँ पे एक्चुअली में एरर यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को डाइक कमांड का यूज करना पड़ेगा। अब चलिए फिर से एक बार हम लोग चलते हैं या रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों कनेक्टेड टू डाटाबेस, ठीक है, मतलब अभी कोई भी गलती नहीं है हमारा कोडिंग में, इसीलिए अब हम डाटाबेस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया हमारा। और अगर कुछ गलती होता तो ये कनेक्शन यहाँ पे डाई हो जाता और जो एरर है इसके माध्यम से हम लोगों को, इस कोड के माध्यम से हम लोग को एरर तो होता। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे होस्ट का नाम गलत कर देता हूँ और उसके बाद फिर इस पेज में जाके रिफ्रेश करते, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क गेट एड्रेस ये जो दिखा रहा, देखिए नो सच होस्ट इज नोन, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर रहा है। अब मान लीजिए कि अगर होस्ट नेम हम लोग ठीक रखते और यहाँ पे यूजर का नाम में अगर हम लोग गलत कर देते और उसके बाद फिर जाते और फिर इसको एक बार रिफ्रेश करते हम लोग, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, यूजर जो यूजर हम लोग खोज रहे हैं उस तरह से कोई भी यूजर नहीं है। देखिए कैन नॉट एक्सेस डिनाई फॉर यूजर एट लोकल होस्ट, ठीक है, डाटाबेस एन आई सी टी यू डी ये सब चीज दिखा रहा, बट ये यूजर नाम का नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा कोड होगा उसमें एरर ढूंढना बहुत ही थोड़ा बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करते हैं।